एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर जनसंवाद कार्यक्रम में विकास नगर क्षेत्र के लोगों से रूबरू हुए, जहां उनके द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी गई। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य समस्या पुलिस थाना चौकियों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा जाने की मांग की गई। अवैध नशा स्मैक तस्करी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए व्यापारियों द्वारा शहर में CPU की भी मांग की गई। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्र के खनन व्यवसायियों द्वारा भी अपनी अपनी समस्याएं रखते हुए कहा गया कि पुलिस द्वारा अवैध खनन करने वालों को भी रोका ना जाए, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP देहरादून ने जवाब देते हुए कहा कि अवैध खनन करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम उनको नहीं छेड़ेंगे और अवैध खनन करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। नशा के संबंध में लोगों ने बात बताई, उनको मैंने अपने जो मनोभाव हैं, पुलिस क्या कर रही है उसके बारे में मैंने उनको बता दिया है। एक जो है ट्रैफिक के संबंध में, यहाँ पर जो यू टर्न या कट हैं उनके संबंध में बताया, तो वो भी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। एक CPU और ट्रैफिक पुलिस के डेवलपमेंट की